सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DSE और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विथ इंस्पायर अवार्ड्स मानक। भारत देश पारंपरिक मूल्यों और महान संस्कृति के लिए जाना जाने वाला एक ऐसा राष्ट्र है जो विविध भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। निसंदेह समय और तकनीक ने संपर्क और संचार के मामले में दूरियों को कम कर दिया है, जिससे लोगों के लिए एक दूसरे की संस्कृति को समझना और भी आसान हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान आपसी रिश्तों को मजबूत करता है और राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसी समझ और विश्वास भारत की नींव है। इसे और बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं वर्षगांठ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्षगांठ दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के साथ संबद्ध किया जाता है। संबद्ध राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश आपस में एक दूसरे के भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के बारे में अपने जानकारी और अनुभवों को साझा करेंगे। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बिहार के बच्चों को त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जानकारी देना है और वहां के बच्चों को बिहार के बारे में। इसी उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम के विद्यार्थियों हेतु नो योर स्टेट डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम की यात्रा पर। है। दिखने में तो बड़ी सुंदर, चलो इनसे बात करते हैं। प्रणाम जी भाई। खुल्लम खा। प्रणाम जी भाई।
फल लम्खा। इनकी भाषा में यही कहते हैं प्रणाम को। मैं बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया हूँ। What is she saying? I don't know. मैं बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया हूँ। Sparrow. नहीं, गौरैया। Sparrow. लगता है इनकी भाषा में मुझे स्पैरो ही कहते हैं। मैं स्पैरो हूँ। तुम कौन हो? हाँ, I am Mrs. Bartle Pheasant from Mizoram. क्या? Bartle Pheasant. तीतर। अच्छा, तो तुम तीतर हो? तीतर? Yes, तीतर. तीतर. मैं स्पैरो गौरैया, ये तीतर. तो तुम कौन हो? I am Green Imperial Pheasant from Tripura. दिखने में तो इतनी छोटी है और नाक इतना लंबा बता रही है। दिखने से तो हरियर कबूतर लग रही है। हरियर कबूतर? No, Green Imperial Pheasant. समझाना पड़ेगा। मैं गौरैया, वो तीतर, तुम हरियर कबूतर। ओके, हरियर कबूतर। हरियर कबूतर। हाँ, ये दोनों कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर हैं। मुझे इनसे दोस्ती करनी है, पर इन्हें ना मेरी भाषा आती है ना मुझे इनकी। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। दादाजी ने जो मुझे जादुई की छड़ी दी थी उससे मैं भाषा ही बदल देती हूँ। तो अभी बदलती हूँ भाषा। आबरा कडाबरा गिली गिली चू। ये तुमने क्या किया? मैंने जादू किया। तुम मेरी भाषा समझ पा रही हो? हाँ। अरे वाह, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जरूर। हाँ, अच्छा, हम अपना परिचय फिर से एक दूसरे को देते हैं। हाँ, लेकिन मैं अपनी जादू की छड़ी तो छुपा लूँ। मैं बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया हूँ। और मैं मिजोरम के राजकीय पक्षी बार्टल फेजेंट हूँ, मींस तीतर। आप मुझे प्यार से चुलबुली कह सकते हैं। और तुम मुझे प्यार से हीवा कह सकती हो। मैं तो त्रिपुरा की राजकीय पक्षी हूँ, मेरा नाम ग्रीन इंपीरियल पिजन है। और तुम लोग मुझे प्यार से किट्टू बोल सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें किट्टू ही बुलाऊंगी। किट्टू। और आपका भी नाम बहुत प्यारा है हीवा। और तुम्हारा भी नाम बहुत मजेदार है चुलबुली। क्या तुम मुझे अपने प्रदेश के बारे में बताओगी? आखिर वो है कहाँ? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, और जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो 7 बहनों वाला राज्य। मैंने उनके बारे में सुना है। तुम दो बहने हो ना उनमें से? हाँ। और मैं तुम्हें अपनी 5 बहनों के नाम भी बता सकती हूँ। तो बताओ ना। और वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। अरे वाह, क्या तुम मुझे अपने राज्य घुमाने ले चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर। अब कौन सी शर्त? अच्छा, पहले बस शर्त तो बताओ। तुम्हें पहले हम लोगों को अपने प्रदेश घुमाना होगा। इतनी आसान सी शर्त? तो मैं तुम्हें अपने प्रदेश जरूर ले चलूंगी। हाँ, लेकिन दोस्तों, मुझे इससे पहले तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? बताओ। बोलो। मैं असली की चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं जादू से चिड़िया बनी थी। हम भी तो इंसान ही हैं और हम लोग तो जादू से चिड़िया बने हैं। तो चलो मेरे प्रदेश ले चलती हूँ। मैं अभी अपनी जादू की छड़ी लाती हूँ। तो सब इधर आ जाओ, अब मैं करने वाली हूँ जादू। आबरा-काडाबरा गिली 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 छू।
दिशा में लोक रंग दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। गए तो चलो मेरे घर में। अरे वाह, देखो कौन आया है। अरे कौन है ये और कहां से आई है? प्रणाम। खुश रहो। ये मिजोरम से और ये त्रिपुरा से बिहार घूमने आई है। इसका नाम है हीमा और इसका नाम है किट्टू, ये मेरी दोस्त है। अरे ये चुलबुली तो हमेशा सबको बुला करके बिहार के बारे में बताती ही रहती है। जाओ बेटा इसे अंदर घर दिखाओ। हाँ माँ, चलो चले। अरे ये कैसी पेंटिंग है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। ये बिहार की विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है। अरे माँ कुछ बताओ ना इसके बारे में। तुम्हें पता है ये प्राकृतिक रंगों से मिलके बनती है, जैसे फूल पत्ते इत्यादि, और इसे बांस की कमाची से आकार दिया जाता है। तभी तो ये इतना सुंदर लग रहा है। ये देखो दोस्तों, ये मंजूषा पेंटिंग है। ये कैसी पेंटिंग है? ये दिखने में तो मधुबनी की तरह कुछ कुछ लगती, लेकिन ये मधुबनी नहीं, ये मंजूषा पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग देख रही हो तो चले अंदर। हाँ, चलो चलो तो चलो। कितना सुंदर घर है और यहाँ कितने मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही ये सारे मिट्टी के खिलौने बनाए हैं और हमें भी मिट्टी के खिलौने बनाना गुरुजी ने ही सिखाया है। बहुत सुंदर है ये। धन्यवाद। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार शब्द से हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा, जिसका मतलब होता है आवास। 2000 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहार करने के कारण ही इस भूमि का नाम बिहार पड़ा और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी और इसी दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं। तुम्हें पता है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति जी, फणीश्वर नाथ रेणु और कालिदास जैसे महान साहित्यकारों ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ। बिहार में कुल 11 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 4 प्रमुख जनजाति है, गौंड, खौन, बेड़िया और संथाल। अच्छा। हाँ, गौंड जनजाति छपरा, चंपारण और रोहतास के जिले में पाई जाती है। खौन शाहबाद क्षेत्र में, बेड़िया जनजाति मुंगेर में, तथा संथाल मुख्य रूप से तो झारखंड में पाई जाती है, पर बिहार के पूर्णिया, भागलपुर तथा सहरसा जिले में भी पाई जाती है। और हाँ, एक और प्रमुख जनजाति है जो पश्चिम चंपारण की थारू जनजाति है। वाह, अच्छा बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? बिहार में मुख्यतः 5 भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बचिका। हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अब पता चल गया ना? हाँ चल गया। लेकिन तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। बताओ। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगकर है, जो कि उत्तर की दिशा में है। जब एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो बिहार के आसपास और क्या है? बिहार के आसपास उसके पड़ोसी राज्य हैं। दक्षिण में झारखंड है, पूरब में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। अच्छा,
बिहार की नदियों के बारे में तो बताओ जरा। गंगा नदी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, सुना। इसके अलावा तीन और नदियाँ भी हैं, कोसी, सोन और गंडक नदी। पर सबसे मुख्य नदी गंगा नदी ही है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। मुझे तो सिर्फ गंगा नदी के बारे में ही पता था, तुमने तो और नदियों के बारे में भी बता दिया। लो, तुमने तो बिहार की राजधानी के बारे में बताया ही नहीं। बिहार की राजधानी तो पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। और तुम्हें पता है हमारा राजकीय पशु गौर है और हमारे यहाँ गंगा नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन भी पाई जाती है। चलो तुम्हें बिहार के सांस्कृतिक नृत्यों के बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलो। बिहार के प्रमुख सांस्कृतिक नृत्यों में है कठघोड़वा नृत्य, पाई का नृत्य, जटी नृत्य, और सामा चकेवा नृत्य। वाह, नृत्य देखकर तो मजा ही आ गया। चलो हमारे पसंदीदा काम के बारे में बात करें। कहीं तुम्हारा मतलब खेल से तो नहीं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा कबड्डी खेली जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में गिल्ली डंडा और कंचे खेले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ का छठ त्योहार भी तो बहुत प्रसिद्ध है, जरा उसके बारे में तो बताओ। बताओ हमें। हाँ हाँ बताएंगे, लेकिन पहले दूसरे त्योहारों के बारे में तो जान लो। हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल मकर संक्रांति है और हम इसे दही चूड़ा खाकर मनाते हैं। और तुम लोगों को पता है दही चूड़ा बिहार में खाया जाता है। अच्छा, अरे ओ चुलबुली, तुम लोग कब से ही बातें किए जा रही हो और तुम लोग क्या बातें कर रही हो, जरा बताना तो। अरे माँ, हम लोग त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे और अभी त्योहार की बात करने वाले थे। अरे छठ, छठ तो हमारा महापर्व है और ये बिहार में 4 दिनों तक मनाया जाता है। बातें करते करते शाम हो गई है, चलो खाना खा लो फिर बात करना। हाँ माँ, हम लोग बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, मखाना, रसा इत्यादि का आनंद लेंगे। चलिए। इतने सारे व्यंजन, ये क्या है? ये बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा है और ये खाजा है, ये अनरसा है, ये लाई है, ये दही चूड़ा है, ये ठेकुआ है और ये मखाना है। और पता है बच्चों, ये सभी व्यंजन बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। अरे वाह, बिहार के बारे में तो जानकर मजा आ गया। चलो मेरे यहाँ चलते हैं। हाँ चलो चले। माँ, ओ माँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है जा, पर अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। ठीक है माँ।
अरे वाह, बिहार घूमकर तो मजा आ गया। हाँ सच में। तो अब शर्त तो मैंने पूरी कर दी, अब मुझे अपना राज्य दिखाओ। तो निकालो जादू की छड़ी। हाँ? ये लो। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? पहले मेरे यहाँ चलो त्रिपुरा, जो चारों तरफ प्रकृति के सुंदर दृश्यों से घिरा हुआ है। तो फिर चलो चले। अब्राकडाब्रा गिरी गिरी छू। ये देखो मेरा त्रिपुरा। वाह, तुम्हारा त्रिपुरा तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, और वो देखो वहाँ कितनी सुंदर नदी बह रही है। सच कह रही हो तुम, वो नदी बहुत सुंदर है। हाँ। अरे वहाँ तो देखो, वहाँ एक झरना है। हाँ सच में तुम्हारा त्रिपुरा तो बहुत खूबसूरत है। सही में किट्टू, तुम्हारा त्रिपुरा बहुत सुंदर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसके पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट है। हम रेल से तथा सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बताओ त्रिपुरा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? त्रिपुरा में कोक बोरोक, बांग्ला और अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये बता त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा कैसे पड़ा? देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा पड़ा। ययाति वंश के 39वें राजा के नाम पर भी त्रिपुरा का नाम पड़ा है। ऐसा माना जाता है त्रिपुरा दो शब्द तुई और पुरा से मिलकर बना है। तुई का अर्थ है पानी, पुरा का अर्थ है नजदीक, अर्थात पानी के नजदीक बसा राज्य त्रिपुरा। वाह, तुम्हारा त्रिपुरा पानी के नजदीक बसा है। सच में ये पानी के नजदीक ही बसा है। बहुत सुंदर है तुम्हारा त्रिपुरा। हाँ बहुत सुंदर है। त्रिपुरा के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री विप्लव कुमार देव हैं। त्रिपुरा का राजकीय पशु फायरे लंगूर है। राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल पिजन है। राजकीय फूल नागेश्वर है तथा राजकीय वृक्ष अगर है। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ सच में बहुत सुंदर है। त्रिपुरा के बारे में हमें और भी तो बताओ। मैं तुम लोगों को त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताती हूँ। हमारे त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,491 किलोमीटर है। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र के केवल 27% भाग पर ही खेती होती है। यहाँ की कुल जनसंख्या 41 लाख। और एक बात बताऊँ, यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, क्योंकि यहाँ की 70% जनसंख्या बांग्ला बोलती है। यहाँ की साक्षरता दर 94.65 है। 1956 में त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना तथा इसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अरे वहाँ वो किस चीज की खेती हो रही है? हमारे यहाँ धान की खेती सबसे अधिक होती है। और जब धान की फसल की कटाई होती है तो यहाँ के स्थानीय लोग एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है लेबांगुंगनी। तुम्हारे यहाँ नृत्य भी होता है? हमें वो देखना है। हाँ मुझे भी देखना है। तो फिर चलो चलो चलो। वाओ, आखिर हम लोग त्रिपुरा की मनोरम धरती पर आ ही गए। वो देखो वहाँ त्रिपुरा का लोक नृत्य हो रहा है। तो चलो चले देखने। चलो मजा ही आ गया। यह एक ही नृत्य है या और भी है? नहीं नहीं, यूं तो यहाँ बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन यहाँ का लोकप्रिय नृत्य होजगिरी है।
इसके अलावा यहाँ गड़िया और झूम भी है। अच्छा तो चलो हम लोग और जगह चलते हैं घूमने। हाँ चलो, हाँ, चलो। एक और बात बताऊं तुम लोगों को? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो सुनना ही चाहते हैं। हमारे यहाँ 19 तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं त्रिपुरी, रियांग, जमातिया और मोंग। प्रसिद्ध संगीतकार आरडी बर्मन और एसडी बर्मन जी भी यहीं के निवासी थे। खेल जगत में दीपा कर्माकर एक प्रसिद्ध जिम्नास्टिक यहीं की रहने वाली हैं। अरे वाह, इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। चलो तुम्हें हमारे यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में बताती हूँ। चलो चलो। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला त्योहार दुर्गा पूजा है। दिवाली भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर दिवाली में काली देवी की पूजा होती है। और खर्ची पूजा भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है। देखो ये बांस से बनी हुई वस्तु है। यहाँ बांस से बनी हुई बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ बैम्बो का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और पता है यहाँ हैंडलूम्स और हैंडक्राफ्ट भी बनते हैं, इसलिए इसे बुनकरों का शहर भी बोला जाता है। अरे वाह, इसलिए तो यहाँ इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। हाँ सच में यहाँ की वस्तुएं बहुत सुंदर हैं। अरे ये क्या है? ये बांस से बनी मोमबत्ती है। और पता है तुम लोगों को, इसका ना दिवाली में बहुत मांग होता है। अच्छा। ये तो बहुत खूबसूरत है, इसे तो मैं भी अपने घर ले जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाना, लेकिन बाद में। चलो पहले यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। हाँ तो चलो, चलो। हमारे यहाँ कई प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुई बोरोक, बानगुई, मोसडंग सेरमा और पंचफोरन तरकारी। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या हम लोगों को इनमें से कुछ मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, जरूर। आप लोग वहाँ बैठ जाइए और हम लेकर आते हैं। ठीक है चलो। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। मजा अच्छा? ही आ गया। अच्छा हमें यहाँ के दार्शनिक स्थानों के बारे में बता। यहाँ पे तो बहुत से दार्शनिक स्थल है, जैसे उज्जैन महल, नीर महल और त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। क्या तुम लोग नीर महल के बारे में जानती हो? नहीं। नीर महल का शाब्दिक अर्थ जल महल है। यह राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर दूर रुद्र सागर झील के बीच में स्थित एक शाही हवेली है। अरे वाह, त्रिपुरा घूमकर तो मजा ही आ गया। हाँ सच में। तो चलो अब हम मिजोरम चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो निकालो अपनी जादू की छड़ी। ये लो। तो चलो दोस्तों अब हम लोग चले मिजोरम। आबरा कडाबरा गिरी गिरी नी छू। अरे वाह, हम लोग मिजोरम आ गए। वाह हाँ, हम आ गए मिजोरम। हाँ यही है मेरा प्रदेश मिजोरम। तो चलो चलते हैं। चलो। मिजो लोकल ट्राइब्स है। मिजो का मतलब ऊंची भूमि के लोग और रम को मिजो में लैंड यानी कि धरती कहते हैं। इसलिए इसे मिजो की धरती कहते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, झील ही झील, झरने, नदियाँ और भी बहुत कुछ। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इसे द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ये ईस्ट और साउथ में म्यांमार के बॉर्डर को मिजोरम शेयर करता है।
तो इसके वेस्ट में है बांग्लादेश, इसीलिए यहाँ इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों देशों का कल्चर देखने को मिलता है। मिजोरम कितना सुंदर है, क्यों चुलबुली? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है चुलबुली, मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेता श्री जोराम थंगा जी है जो यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो के साथ साथ इंग्लिश भी है। यहाँ का राजकीय पशु सेरो, राजकीय वृक्ष सीलोन आयरन वुड, राजकीय फूल रेड वांडा, राजकीय पक्षी मिसेज बार्टन फिजेंट है जिसे हम मिसेज हम्स फिजेंट भी कहते हैं, और यहाँ का राजकीय खेल रॉड पुशिंग है जिसमें मिजो पीपल शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तुम्हें पता है मिजोरम को द सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जंगल खूबसूरत बर्ड्स और एनिमल से भरे हुए हैं और यहाँ जंगल ही जंगल है। हाँ वो तो हमने देखा ही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और इसका 54% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और इन जंगलों की सबसे खास बात है यहाँ पाए जाने वाले बैम्बूज और टिम्बर। इन जंगलों में 22 प्रकार के बैम्बूज पाए जाते हैं, इन्हीं कारणों से इसे द क्वीन ऑफ बैम्बूज और बैम्बू स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ बांस से तरह तरह की चीजें बनाते हैं, बांस के बने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट मिजोरम में हर जगह देखने को मिलेंगे। अरे वाह, 22 प्रकार के बैम्बूज के बारे में पहली बार सुना। सच में, जंगलों के बारे में और बताओ ना। पता है यहाँ जंगलों को काट कर फसल उगाया जाता है। अरे वाह, यहाँ झूम खेती होती है, 54% लोग गाँव में रहते हैं, वे झूम खेती करते हैं और यह मिजोज के इनकम का मेन सोर्स है। इसके अलावा यहाँ दाल, मक्का, गन्ना, चावल और जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अरे वाह, झूम खेती के बारे में सुनकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो यहाँ के जंगलों के बारे में सुनकर मजा आया, पर तुमने तो मिजोरम की राजधानी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। आइजोल। आइजोल? हाँ, आइजोल ही तो मिजोरम की राजधानी है। ओ। ये मिजोरम की सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन वाला शहर है। यह यहाँ के प्रमुख म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। यहाँ की सुंदर झीलें टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करती है, खासकर रंगदील झील। इसके अलावा चनमारी जैसे शानदार स्थान हैं। आइजोल में एक बड़ा बाजार लगता है जिसे बिग बाजार भी कहते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये बाजार अधिकतर महिलाएं ही चलाती हैं। जी भाई। जी भाई। प्रणाम। खुल्लम खा। ये देखिए, ये जूट से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और ये मिजो कैप है जो मिजोरम में बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा वाह, ये बहुत सुंदर है। हाँ। अरे वाह, ऐसा तो पहली बार सुना है कि कोई बाजार अधिकतर महिलाएं चलाती हैं। हाँ मैंने भी। यह बाजार भारत में स्पेशली मिजोरम में वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। सच में? अच्छा हमें मिजोरम के और जिलों के बारे में तो बताओ। हाँ, बताओ। बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। मिजोरम के प्रमुख जिलों में है कोलासिब, यह मिजोरम का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यह डिस्ट्रिक्ट अपनी शानदार कलाकृतियों और ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। चंफाई, ये बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। रिहदिल झील यहाँ की फेमस झील है, दिल के आकार का होना इसकी खूबसूरती है। ममित, यह मिजोरम का चौथा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यह अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ केले के पत्ते पर ट्रेडिशनल फूड सर्व किया जाता है। लुंगलेई, यह जिला भी पर्यटन स्थलों में से एक है। लुंगलेई का मतलब चट्टान का पुल होता है।
अपनी खूबसूरत चट्टानों के कारण यह काफी फेमस है। बहुत ज्यादा संख्या में टूरिस्ट इन चट्टानों को देखने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं। मिजोरम की सबसे लंबी गुफा मिलुपुक गुफा यही है। सबसे लंबी नदी तेलोंग नदी यही बहती है। सेरछिप मिजोरम के सेरछिप जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लॉन्ग तलाई यह डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में लुंगलेई और ईस्ट में साइहा जिले से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में बांग्लादेश है। साइहा टूरिस्ट प्लेस में साइहा सबसे अच्छी जगह है। पहले इसका नाम सियाहा था, मतलब एक हाथी के दांत। मिजो पीपल ने सियाहा का नाम बदलकर साइहा रख दिया। यहाँ पलक लेक है जहाँ फिश और क्रैब मिलते हैं। ये टूरिस्ट के लिए एंग्लर्स पैराडाइज है। अरे ये क्या है? ये यहाँ की ज्वेलरी है। और ये यहाँ कुछ बांस की बनी हुई चीजें हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा शहर तो कितना अच्छा है। सच में बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारा शहर। ओ, मैं तो जितना जान रही हूँ उतना और जानने का मन कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगी। ओ, तुम कितनी अच्छी हो। बिल्कुल अपने शहर जैसी। चलो मैं तुम्हें यहाँ के कुछ दार्शनिक स्थानों के बारे में बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ। यहाँ के दार्शनिक स्थानों में से है सोलोमन टेम्पल, मार्लेन नेशनल पार्क, होंगलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिजोरम स्टेट म्यूजियम, दुर्तलंग हिल्स और वानतोंग फॉल्स। ये देखिए ये बास्केट ट्री और ये केन वर्क है। वाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अरे चुलबुली कितना खूबसूरत है ना। हाँ बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है यहाँ सालों भर कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। मिजोरम में जब फसलों की कटाई होती है तब भी वहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। और वो है पॉलकुट फेस्टिवल। मीमकुट फेस्टिवल, मक्के की खेती के बाद ये फेस्टिवल मनाते हैं। चारकुट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, इसे स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ का पारंपरिक बैम्बू डांस, चेरो और लोक नृत्य ख्वल्लम बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में खोंग और गोंग इम्पोर्टेंट ड्रम है। यहाँ लोग त्योहारों और खास मौकों पर यहाँ का पारंपरिक परिधान पुआन और पोंचेई पहनते हैं। ये सब टेक्सटाइल हैंडलूम है जो हाथों से बनी है। अरे वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है, देखो। हाँ सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह ये ड्रेस कितने सुंदर हैं। और त्योहार भी। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ की पारंपरिक भोजन खिलाती हूँ। यहाँ केले के पत्ते पर सर्व किया जाने वाला ट्रेडिशनल फूड तो है ही, और साथ में कुछ मेन फूड भी है जैसे मिजो वक्सा, मिजो माचपूरा, पंच फोरन तरकारी, कोट पीठा, स्टर फ्राइड बैम्बू शूट इत्यादि। अरे ये तो नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर बाद हम इसे खाएंगे। पहले इनसे भोजन के बारे में तो जान लो। ये यहाँ का पारंपरिक भोजन है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है।
अच्छा अरे वाह कितना मजा आया, हम लोग ने कितना घूमा, बिहार देखा, मिजोरम देखा, त्रिपुरा देखा, कितना मजा आया। हाँ सच में। तुम लोग से विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा ना। हाँ। अब हम लोग दोबारा से चिड़िया बनेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। हाँ लेकिन इस यात्रा को कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिर किसी नई जगह पर घूमने जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अब चिड़िया बने, अपने घर के लिए विदा ले। आबरा का डाबरा गिरी गिरी। नमस्कार, आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू। क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। आइए ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियां और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? ललक का निशान। हाँ
ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं।